भैया ये जगत भाई
सभी अतिथिगणों को आसन पर विराजमान करें। श्रीमती प्रियंका गांधी जी, श्री कमलनाथ जी, तरुण भवन जी, हुए कंधा जी, सुशांत सिंह जी, हमारे महापौर जगत बहादुर सिंह अंडू जी, विनय सक्सेना जी, संजय यादव जी, सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे बीच में हनुमत विग्रह भी उपस्थित है। गौरव जी सभी अतिथिगणों को विराजमान करा दें, उसके पश्चात हम पूजन के लिए यहाँ उन्हें सादर आमंत्रित करेंगे। मैं संज्ञान में ला दूँ कि पूजन की जो विधि है वह अतिथिगणों के द्वारा माँ रेवा को दुग्धार्पण होगा, दुग्धाभिषेक होगा। दुग्धाभिषेक के समय हमारे पूज्य आचार्य पंडित लक्ष्मण राव सोलापुरकर जी, पंडित प्रकाश दुबे जी श्री सूक्त के मंत्रों के पाठ से माँ रेवा का पूजन अर्चन, माँ रेवा का दुग्धार्पण संपन्न कराएंगे। इसके पश्चात महासंकल्प होगा श्रीफल अर्पण के साथ। यह महासंकल्प कांग्रेस की विजय के लिए, सर्व कार्यों के सिद्ध करने के लिए होगा। तो हमारे पूर्व वित्त मंत्री, क्षेत्र के विधायक तरुण मनोज जी सभी अतिथियों को लेकर पूजन अर्चन के लिए उपस्थित हो। माननीय प्रियंका जी, माननीय कमलनाथ जी, माननीय विवेक कंखा जी पूजन अर्चन के लिए सांगे में पधारे। हमारे आचार्यगण पूजन अर्चन प्रारंभ कराएं। दुग्धाभिषेक के साथ स्वस्ति वाचन, दुग्धाभिषेक के साथ श्री सूक्त के मंत्रों का पाठ होगा। और हमारे जिन साथियों की जिम्मेवारी आरती के लिए तैयारी करने की, वो तैयारियाँ करें, अपनी तैयारी बनाकर आरती पर चले। विजय भाई, दिलीप भाई, गुरुदेवी जी, अतुल अभिनंदन, आरती की तैयारी करते साथ में। माँ रेवा का पूजन अर्चन सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाले सभी सिद्धियों को प्रदान करती भगवती रेवा, उनकी आराधना दुग्ध से होगी। ओंकार दुबे जी और विजय जी अतिथि घरों की पूजन के अनुसार आरती की व्यवस्था करते हैं। आरती के जरूरत करें सारी सिद्धियों को प्रदान करने वाली माँ नर्मदा, उनका दूध से अभिषेक शास्त्रों में अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। आप सब लोग अपने स्थान पर बैठकर हमारे सम्माननीय अतिथिगणों के साथ मानसिक पूजन करें। मानस पूजा का भी बड़ा महत्व है। दूध से अभिषेक करके माँ भगवती रेवा से जो मांगा जाता है वो मिलता है। ये सब सिद्धियों को देने वाली है। और जबलपुर सौभाग्यशाली शहर है, माँ नर्मदा के तट पर बसने का हम सबको सौभाग्य मिला है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के साथ माननीय कमलनाथ जी, राज्यसभा सांसद माननीय विवेक कंखा जी, तरुण मनोज जी, जगत बहादुर सिंह अंडू जी, विनय सक्सेना जी, संजय यादव जी, हमारे लखन भिंगोरिया जी, सभी विधायकगण वहाँ उपस्थित हैं और पूजन अर्चन चल रहा है। श्री सूक्त के मंत्रों के पाठ से जब देवी की स्तुति की जाती है तो वह अद्भुत फलदायी होती है। आज हमारे अतिथिगण श्री सूक्त के मंत्रों के साथ दुग्धाभिषेक कर रहे हैं। दुग्धाभिषेक के बाद हमारे आचार्यगण संकल्प, महासंकल्प दिलाएंगे। और महासंकल्प के लिए श्रीफल का अर्पण होगा। सभी श्रीफल वहां पर तैयार हैं। पान और मौली बंधन के साथ उन्हें वहां पर रखा गया है।
ड्रोन को थोड़ा सा दूर रखेंगे जहाँ से आ जाते हैं। माँ नर्मदा जी के पवित्र जल में कोई भी अपशिष्ट पदार्थ, कोई भी कूड़ा कचरा प्रवाहित नहीं करूंगी तथा माँ नर्मदा तट को और अपने बनाए रखने प्रदान करने आज लिए गए संकल्प का जीवन पर्यंत निर्वाह करूंगी। नर्मदा मैया की।